हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी लोकोक्तियों का पार्ट टू लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने लोकोक्तियों का पार्ट वन बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हिंदी का पर्यायवाची शब्द का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा जितने भी वीडियोज़ मेरे हैं उन सबके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर तरह से अपना ही लाभ चाहना। जब इंसान हर तरह से अपना ही लाभ चाहने लगता है तब बोलते हैं उसके लिए कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। नेक्स्ट है, चिराग तले अंधेरा, जहाँ पर वैसे ही विचार न्याय या योग्यता आदि की आशा हो, वहाँ पर यदि कुविचार अन्याय या अयोग्यता पाई जाए तो वहाँ बोला जाता है कि यहाँ तो चिराग तले अंधेरा है। नेक्स्ट है, बेवकूफ़ मर गए औलाद छोड़ गए, मतलब जब कोई बहुत मूर्खता का काम करता है तब उस इंसान के लिए कहा जाता है कि बेवकूफ़ मर गए और औलाद छोड़ गए। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब यदि किसी मनुष्य में कोई बुराई हो और कोई उसके सामने उस बुराई की निंदा करे तो यही समझेगा कि मेरी ही बुराई हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और उसके सामने उस बात का जिक्र किया जाए, उस काम के बारे में बोला जाए, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर ही समझता है, क्योंकि उसने वो काम किया होता है। तभी उसी के उदाहरण में बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, मतलब चोर जिसने भी गलत काम किया होगा वो किसी न किसी तरीके से उस काम का जिक्र करेगा, उस काम के बारे में कुछ ना कुछ सब अपने बारे में ही सोचेगा। अगर कभी भी उस काम का जिक्र होगा तो वो उस बात को अपने बारे में ही सोचेगा। चलिए नेक्स्ट है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब रुपये वाला ही ऊँचा समझा जाता है, जिसके पास रुपया होता है। चलिए नेक्स्ट है, कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब कोई इंसान बर्बाद हो गया और उसके अंदर का घमंड अभी तक नहीं गया हो तब बोलेंगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नेक्स्ट है, गीदड़ की सामत आए तो गांव की तरफ भागे, मतलब जब विपत्ति आने को होती है तब मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो विपरीत ही हो जाती है। मतलब जब कोई बुरा काम होने वाला होता है, जब परेशानी आने वाली होती है, तो मनुष्य की बुद्धि भी उल्टी ही चलने लगती है। नेक्स्ट है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मतलब कोई बड़ी बुराई करना, कोई बड़ी बुरा काम कर सकते हो आप और छोटे काम से बच रहे हो। जब इंसान ऐसा कुछ करता है कि बड़ा बुराई करता है उसके बाद छोटे छोटे कामों से बचता है, तब बोलते हैं कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, घर का बेदी लंका ढाए, मतलब अगर आप घर के मनुष्यों में से, जितने घर के लोग हैं उनमें से अगर कोई इंसान कुछ घर का भेद बाहर बताता है या फिर आपसी फूट का काम करता है तो उससे कभी भी घर में अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा सर्वनाश ही होता है। नेक्स्ट है, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तु या व्यक्ति का कोई उचित आदर नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है, घायल की गति घायल जाने, मतलब दुखी व्यक्ति की जो हालत हो वो दुखी इंसान ही जान सकता है, मतलब जिसको परेशानी होती है वही दूसरे की परेशानी समझ सकता है। नेक्स्ट है, चट मांगनी पड़ गया, इसका होगा कि कभी किसी काम में शीघ्रता करना, शीघ्रता करने को बोलते हैं कि चट मांगनी पड़ ब्याह करना। चलिए नेक्स्ट है, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, मतलब जब कष्ट सहने के लिए तैयार हो गए हो तो फिर कितने भी कष्ट आए उनसे क्या डरना। नेक्स्ट है, जब तक जीना तब तक सीना, मतलब जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बिना काम किए किसी का काम नहीं चलता। नेक्स्ट है, जल की मछली जल में ही भली, मतलब जो मनुष्य जहाँ का होता है उसे वहीं अच्छा लगता है और वो वहीं पर ही अच्छा भी लगता है जो जहाँ का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चट मंगनी पट ब्याह, मतलब बताया था मैंने कि शीघ्रतापूर्वक काम करने के लिए जल्दी होना, जल्दी से अपना काम पूरा करने पर बल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब बहुत अधिक कंजूसी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए बोलते हैं कि चमड़ी चली गई पर दमड़ी अभी तक नहीं गई। नेक्स्ट है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिनों के लिए तो सुख हो पर बाद में सिर्फ दुख ही दुख हो, तो ऐसे बोलते हैं कि चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात।
नेक्स्ट है चाह है तो राह भी है, और जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसकी युक्ति निकल ही आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब जो बेशर्म इंसान होता है उसे कितना भी कहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए बोलते हैं कि ये इंसान तो चिकने घड़े जैसा। नेक्स्ट है चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही व्यवसाय या एक ही स्वभाव वाले जो दो लोग होते हैं उनमें जल्दी मेल जोल हो जाता है। नेक्स्ट है चोरी और सीना जोरी, मतलब अपराध करना और ज़बरदस्ती दिखाना, और अपराधी अगर अपराधी का अपने को निरपराध सिद्ध करना, मतलब वो ये सिद्ध करे कि मैंने अपराध नहीं किया है और अपराध को दूसरे के सिर पे मर दे, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि चोरी और सीना जोरी। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावनी, मतलब किसी वस्तु से जब तक परिचय ना हो तब तक वो अच्छी ही लगती है, जब तक कोई भी व्यक्ति या इंसान या वस्तु जो है वो दूर हो तो आपको हमेशा उसमें अच्छा ही नज़र आएगी, बुराई आपको उसमें नहीं नज़र आती। नेक्स्ट है नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर, मतलब किसी एक स्थान में रहकर उसी के लोगों से अगर आप बुराई मोल लेते हो तो इसमें कभी भी आप सही से रह नहीं सकते, आप जहाँ पर रहते हो उन लोगों से आपको अच्छे से बना के चलनी ही पड़ती है। नेक्स्ट है गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, मतलब ये जो दो लोग हैं गुरु और मित्र इनसे कभी भी कपट या चोरी नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य ऐसा करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। नेक्स्ट है गुहों के साथ गुण भी बिसता है, मतलब अपराधियों के साथ अगर एक व्यक्ति निरपराध व्यक्ति भी जिसने अपराध नहीं किया है तो वो भी दंड पाता है, तभी बोलेंगे कि देखो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। नेक्स्ट है बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, मतलब किसी भी चीज़ को या वस्तु व्यक्ति को आप पूरे शहर में बहुत दूर दूर तक ढूंढ रहे हो, कभी कभी वो चीज़ आपके पास में होती है और आपको नहीं मिलती, तब बोलते हैं कि शहर में डिंडोरा पीट रहे हो और बगल में ही छोरा है। नेक्स्ट है घर पर आई लक्ष्मी को कभी लात नहीं मारते, मतलब अगर घर में आया धन है कोई वस्तु है धन है तो उसकी कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेवकूफ़ मर गए और औलाद छोड़ गए, मतलब जब कोई बहुत ही मूर्खता का काम करे तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो बेवकूफ़ मर गया देखो और ये इसे अपनी औलाद छोड़ गए। नेक्स्ट है छोटा मुँह बड़ी बात, मतलब छोटा मनुष्य जिसकी हैसियत ना हो उस चीज़ की और वो लंबी चौड़ी डींगे हाँ के लंबी चौड़ी बातें करे तो बोलते हैं कि ये तो छोटा मुँह बड़ी बात कह रहा है। चलिए नेक्स्ट है जंगल में मोर नाचें किसने देखा, मतलब जब कोई ऐसे स्थान पर अपना गुड़ दिखाए जहाँ पर उस गुड़ को कोई समझने वाला ना तो ऐसे में बोलेंगे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर ऐसा मोर नाचा है जंगल में किसी ने देखा ही नहीं तो उस नाचने से क्या मतलब, मतलब आपने ऐसे स्थान पर अपना काम किया है जहाँ पर उस काम की कोई वैल्यू देने वाला नहीं है तो उस काम का कोई मतलब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारते, ये मैंने बताया था आपको पहले कि मिले हुए धन या वृत्ति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है घर का भेदी लंका ढहा, मतलब आपसी फूट से हमेशा सर्वनाश होता है, अगर आप घर की ही बातें कोई बाहर फैलाता है तो उससे कभी भी उस घर का भला नहीं हो सकता। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तु या व्यक्ति का कभी उचित आदर नहीं होता है, हमेशा उसकी वैल्यू कम ही होती है। नेक्स्ट है घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बनाना, मतलब झूठे दिखावे करना, ठीक है अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं और आप उन चीज़ों को दिखा रहे हो तो उसमें ऐसे ही बोला जाए घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली बुनाने। चलिए नेक्स्ट क्या है घायल की गति गायल जाने, मतलब दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति की हालत जान सकता है या फिर जिसके ऊपर परेशानी होती है वही दूसरे की परेशानियों को समझ सकता है। चलिए ये इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ थी, और इसके पहले भी जो मैंने लोकोक्तियाँ कराई हैं ये दोनों ही मिलाकर जितनी लोकोक्तियाँ हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई रिपीटेटिव आई हुई हैं ज़्यादातर, ठीक है ये सारी ही किसी न किसी एग्ज़ाम में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो वही लोकोक्तियाँ मैंने इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में ऐड करी है। ये दोनों वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, इससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक लोकोक्ति ज़रूर आती ही है, कोई ना कोई एक लोकोक्ति आपको मिल ही जाएगी। तो ये तो हो गई हिंदी की, हिंदी के पर्यायवाची शब्द का भी मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो कंप्यूटर की सीरीज़ है मेरी उसमें कंप्यूटर के पूरा कोर्स है CCC का कोर्स, और उसमें आपको स्टार्टिंग सिलेबस से लेकर लास्ट तक के सारे टॉपिक के अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगे, और मैंने कंप्यूटर की क्विज़ की भी प्लेलिस्ट दी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको सारे क्विज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।